आज कुफार बयां कर रहे हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान को। ये काफर देख रहे हैं आप, ये अपनी बरादरी को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयां कर रहा है। ऐसे आज हम इन वाक्यात से कोसों दूर चले गए हैं, इनको सुनना भी नहीं चाहते। क्यों, क्या वजह? आखिर हम पर मौत नहीं आ जाएगी इन वाक्यात को सुनने से? आज हम सियासत पे सुन सकते हैं, आज हम क्रिकेट पे सुन सकते हैं, क्या वजह है कि हम इस्लाम पे नहीं सुनते? बहैसियत मुस्लिम हम पर इस्लाम ही जचता है, इस्लामी वाक्यात ही जचते हैं, ना कि सियासत और क्रिकेट। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्लामी वाक्यात की हमारी रहनमाई कर सकते हैं। देखें ये कैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान कर रहा है, काफ़र होते हुए भी। हम मुसलमान हैं ना, हमें भी चाहिए कि इस तवज्जो के साथ, इस लज्जत के साथ हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात बयान करें। हमें अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपने नौजवानों को इस तरफ लाना पड़ेगा। देखें ये काफ़र किस तवज्जो के साथ, किस लज्जत के साथ सुन रहे हैं, काफ़र होते हुए भी। हम क्यों नहीं सुनते, हम क्यों नहीं देखते? हमें गौर करना चाहिए इन बातों पर। जिस उम्र की शान को कुफार बयां करे वो उम्र कैसे थे? जिसने गुजारी फ़कीरी में ज़िंदगी वो उम्र कैसे थे? बादशाह होकर भी खुद फ़कीरी में ज़िंदगी गुजारी वो उम्र कैसे थे? अल्लाह हमें इस्लाम को देखने की, इस्लाम को सुनने की, इस्लाम को परखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।